प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने वाशिम में पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और पारंपरिक ढोल बजाया। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी ने वाशिम में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। फिर एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। पीएम ने वाशिम में करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं। वे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मुंबई में लगभग 14,120 करोड़ रुपए की लागत वाली मेट्रो लाइन 3 के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरे जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। फिर बीकेसी और सांता क्रूज के बीच मेट्रो की सवारी भी करेंगे।